नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मेनली सेवन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ इनका ऑर्डर है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। तो आप देखते हैं कि रेडियो वेव्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और जैसे ही आप रेडियो वेव्स से गामा रेज की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। और आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि E इज इक्वल टू एच म्यू, जहां पे एच जो है वो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेव की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, यानी कि वेव का जो पेनिट्रेशन पावर है वो भी बढ़ता जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो राइट साइड में यहाँ पे वेव्स हैं, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि एक्सरे और गामा रेज। जबकि विजिबल रेज तक जो भी वेव्स हैं ये बॉडी को इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाती। अल्ट्रावायलेट बॉडी में ऊपर की स्किन की लेयर्स में ही पेनिट्रेट कर पाती है। एक्सरे आपके मांस के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है, बोन्स में पेनिट्रेट नहीं कर पाती, सॉफ्ट टिश्यू में पेनिट्रेट कर जाती है। जबकि गामा रेज जो है वो आपके टिश्यू में भी पेनिट्रेट कर जाती है, बोन्स में भी पेनिट्रेट कर जाती है, और पूरी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती है, और ये कैंसर पैदा कर देती है अगर बॉडी में ज्यादा देर तक एक्सपोज हो जाए। ओके, तो चलिए हम फटाफट देखते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी को। तो सबसे पहले आप देखेंगे रेडियो वेव्स जो है इनकी वेव लेंथ जो है वो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, क्योंकि आप जानते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय म्यू होता है, यानी कि वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और इसका जस्ट वाइस वर्सा होता है फ्रीक्वेंसी भी, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, यानी कि लेमडा इंटू म्यू इज इक्वल टू सी। ओके, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेवलेंथ है। फिर आगे आप देखेंगे रेडियो वेव्स की, फिर आप देखेंगे माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ और थोड़ी सी कम हुई है, उसके बाद इंफ्रारेड की और वेवलेंथ कम हुई है, फिर विजिबल लाइट की वेवलेंथ और कम हो गई है, फिर अल्ट्रावायलेट की और कम हुई है, एक्सरे की और कम हुई, और गामा की बिल्कुल कम वेवलेंथ है। गामा रेज तक आते आते ये पिकोमीटर में, नैनोमीटर पिकोमीटर में ये वेवलेंथ आ जाती है। ओके, चलिए अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो रेडियो वेव्स जो है इनकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज टू 300 MHz तक आती है। रेडियो वेव्स ये मेनली कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, रडार्स में यूज होते हैं। देन माइक्रोवेव्स, तो जो माइक्रोवेव्स हैं वो आपके 300 MHz से 300 GHz की रेंज में आते हैं। तो जो आपने माइक्रोवेव ओवन देखा हो वहाँ पे ये यूज होते हैं, बहुत सारे ट्रैकिंग रडार्स में यूज होते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस में भी माइक्रोवेव्स यूज होते हैं। प्लस आपने देखा होगा कि आपके घर का जो वाईफाई है 2.5 GHz पे, वो भी माइक्रोवेव से ही चलता है, 2.4 GHz एंड 5 GHz के दो बैंड होते हैं हमारे घर में जो वाईफाई होता है। ओके, सिमिलरली हमारे जो मोबाइल फोन से वो भी इसी रेंज में चलते हैं। जो हमारे बेसिक सेल फोन्स होते हैं उनकी 800 MHz से 1600 MHz तक फ्रीक्वेंसी होती है। प्लस जैसे जैसे आप 3G 4G में बढ़ते जाते हैं तो ये 1800 MHz से 2500 MHz, फिर 3200 MHz तक ये ऑपरेट करते हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड जो वेव होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा हीटिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि इसकी एनर्जी माइक्रोवेव से ज्यादा होगी। तो आप देखते हैं कि सन से जो रेडिएशन आती है, रेज आती है, जिनकी वजह से हमें गर्मी महसूस होती है, हमारी स्किन में हमारे कपड़े सूखते हैं, वो इंफ्रारेड की वजह से होते हैं। तो ये 300 GHz से 400 THz तक होती है इनकी फ्रिक्वेंसी। उसके बाद फिर विजिबल रेज होती है। तो विजिबल रेज जो है ये हमारे लिए सेवन कलर्स जो फॉर्म होते हैं वो हमें इसी फ्रिक्वेंसी की वजह से दिखाई देते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी 400 से 750 THz होती है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट पे आ जाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट जो है
ये विजिबल से ज्यादा एनर्जी रखती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी उनसे भी ज्यादा है, 750 टेरा से 30 पेटा हर्ट्ज तक। तो आप जानते हैं कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं वो हमारी जो ओजोन लेयर है वहां पे रुक जाती है, ओजोन लेयर इनसे हमें बचाती है क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर घुस के उसको हार्म कर सकती है। तो हम धूप में निकलते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी स्किन में जाके और हमें हमें हमारी बॉडी में रेडिएशंस पैदा कर सकती है। इसके बाद फिर हम एक्सरे पे आते हैं, तो हमारा जो एक्सरे और सीटी स्कैन होता है उसमें ये एनर्जी यूज होती है, ये 30 पेटा से 30 एग्जाहर्ट्ज तक आती है, यानी 13 × 10⁻¹⁵ से 13 × 10⁻¹⁸ तक। उसके बाद गामा रेज आती है, गामा रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, वो 30 एग्जाहर्ट्ज से यानी 3 × 10⁻¹⁹ से ऊपर की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा में आती है। गामा रेज जो है ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। गामा रेज कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जब न्यूक्लियर डिके होता है तो उसमें ये पैदा होते हैं, यानी कि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है जैसे हाइड्रोजन बम फटता है या फिर एटम बम फटता है तो उसमें ये निकलते हैं। प्लस जब पल्सार्स होते हैं जो यूनिवर्स में, पल्सार्स इनको निकालते हैं, ब्लैक होल इनको निकालते हैं, प्लस जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उसमें गामा रेज निकलते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और वेव्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।